If you have visited to our channel for the first time, don't forget to click on subscribe button and also check on the bell icon to get notified for our upcoming videos. ओके okay फ्रेंड्स तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो applications अपने फ़ोन में यूज़ करता हूँ वो सारे मेरे परचेज रहते हैं और ऐसा ही सवाल मेरे को कल मेरे वीडियो के ऊपर पूछा गया आ, बिल दिखा दो भाई और जैसे कि मैंने कहा था जी हाँ मैं आपको बिल दिखा दूँगा तो आज वो बारी है बिल दिखाने की तो उसने एक और क्वेश्चन भी पूछा अब्दुल ने कि इसलिए दिखाने को बोल रहा हूँ क्योंकि जब क्रैक मिल रहा है तो तुम परचेस क्यों करते हो तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ वो रीज़न ये है कि कुछ एप्लीकेशन जो ऑनलाइन हमको किसी भी क्लाउड होस्टिंग साइट्स पे फ्री में मिल जाती हैं उनमें एक्सप्लाइटेशन फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि आपकी डिवाइस में किसी अननोन सर्विस के साथ आपकी डिवाइस को हैक किया जा सके तो आप अपनी सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उस टाइम अगर आप किसी अननोन नोन सोर्सेज से उसे अपने फ़ोन में ट्राई करते हैं तो अगर ज़रा सोचिए आप अपने फ़ोन से बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं अपने बैंकिंग अपने बिल पेमेंट्स बहुत कुछ और किसी कारण से किसी ऐसे ही फ्री एप्लीकेशन के चक्कर में आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और तरह तरह के एड्स बग्स आपके फ़ोन में आने लगे और वो फ़ोन स्लो हो जाए तो क्या होगा तो वही एक रीज़न है जिसके लिए मैं अपने फ़ोन में हमेशा परचेजड एप्लीकेशन रखता हूँ और दूसरा रीज़न ये है कि जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर का स्टूडेंट हूँ बी कर रहा हूँ और मुझे पता है कि क्या एफर्ट जाते हैं एक सॉफ़्टवेयर को डेवलप करने में डेवलपर दिन रात एक एक कोड उसे लिख के हर एक तरह से जोड़ जाड़ के एक एप्लीकेशन सेटअप क्रिएट करता है तो ये एप्लीकेशन uh, का एक छोटा सा फीस है जो मैं उन्हें पे करना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है बहुत हार्ड होता है ये सॉफ़्टवेयर डेवलप करना तो यहाँ जैसे कि मैं बता दूँ मेरे पास ज़्यादा बिल्स पड़े नहीं होंगे क्योंकि मैं डिलीट करता रहता हूँ तो यहीं पर कहीं होगा मेरे पास एक दो बिल वही मैं आपको दिखा दूँगा तो ये रहा गूगल प्ले का रिसिप्ट और टाइमिंग आप देख सकते हैं इस पे यू हैव मेड अ परचेज ऑफ एन एल एल ऑन गूगल प्ले ये बहुत ही छोटा वाला था इसके अलावा मैंने इससे पहले और एक किया था नोवा प्राइम जो मैं अपने फ़ोन में लॉन्चर यूज़ करता हूँ वो भी मैंने परचेज किया था टेस्ला कॉयल सॉफ्टवेयर कंपनी का जो कि नोवा लॉन्चर का सेटअप क्रिएट करते हैं तो ये कुछ एप्लीकेशन से ये मेरा लास्ट बिल पड़ा है उसके अलावा और कुछ यहाँ पढ़ा नहीं है ये पिछले साल का है तो यही जो एक दो बिल्स थे वो मैंने आपको दिखा दिए इसके अलावा मेरे पास आप बिल नहीं है लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा एक लेजिड सॉफ्टवेयर को यूज़ करें अगर आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं तो तो अगर आप टेस्टिंग तो के तौर पे मेरे मेथड से बताए गए तरीके से आप एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं और उसे फ्री में टेस्ट करते हैं ख़रीदने से पहले तो वो एकदम फेयर है लेकिन उसका कमर्शियली यूज़ एकदम गलत है तो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियरेंस मिल गई होगी कि मैं जो है पायरेसी uh, को सपोर्ट नहीं करता हूँ और आपको इसी तरह से ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के साथ एप्लीकेशन के साथ आगे भी वीडियो सर्व करता रहूँगा सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन इफ यू डू एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन